अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ जहांगीर। तो पिछले लेक्चर में हम हेडिंग के बारे में पढ़ा था, HTML के हेडिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे HTML में पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ के लिए भी हम एक टैग इस्तेमाल करेंगे, इम्पोर्टेंट टैग है जो हम HTML में पैराग्राफ लिखते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लिखते हैं, तो हेडिंग के लिए तो हम एच के या H1, H2, H3 के लिखे थे टैग। अभी हम इसमें लिखेंगे एक और टैग। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। आप देखो कि कैसे हम लिखेंगे इसको पैराग्राफ। तो बेसिकली हम पैराग्राफ के लिए ये भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, ये बॉडी। ये हो गया बॉडी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक। अच्छा मैं एंटर करता हूँ। इधर हम लिखेंगे पैराग्राफ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दो कस्म के टैग, एक है पी और एक है प्री। तो अभी हम पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले हम पी के करते हैं। ये पी का टैग मैंने यूज़ किया। अभी हम देखते हैं कि पी में हम या कि पी में हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हाय माई नेम इज़ जहांगीर, जहांगीर खान, आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट। सही है, ये मैंने लिख दिया। तो ऐसा करते हैं, अभी हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से, या मैं आपको आपके लिए वहाँ से जो है ना सेव करता हूँ, या बस सेव हो गया। अभी हम इसको देखते हैं कि क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, ये हो गया है या नहीं। मैं इधर इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कि ये आया है इधर। अभी ओपन हो जाएगा। अच्छा जैसे ये आ गया, माई नेम इज़ अ जहांगीर खान, आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा अभी हम देखते हैं, ये तो हमने पैराग्राफ में लिखा, पी के टैग में लिखा था। अब हम इसको जो दूसरा टैग है उसमें लिखेंगे कि उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं इसके इसके साथ और कुछ भी लिखूँगा, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, KPK, ETC, जितना भी आप लिख सकते हो। मैं असल में आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। एंड आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ BS कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइंस। इस तरह मैंने लिख दिया और भी बहुत से। एंड माय एज इज 20 ईयर, ईयर्स। सही है, तो ये इस तरह आ गया। तो अभी हम एक और टैग यूज़ करते हैं, ये तो हो गया पी वाला। अभी हम इधर लिखते हैं
ये इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, एंटर हो गया। अभी मैं लिखता हूँ फ्री वाला, तो फ्री, ठीक है, इसको मैंने क्लोज किया। फिर मैं फ्री, तो ये हो गया फ्री। अभी मैं सबको इसको मैं कॉपी करता हूँ, कि क्या होता है हम देखते हैं। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे सारे को। इधर मैं कंट्रोल सी, और ये मैं ये जो प्री है ना, ये मैं इधर कंट्रोल वी। अभी हम कंट्रोल इससे इसको सेव करते हैं, और अभी हम जाके देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए, ये जो है ना, ये जिस तरह हम लिखते हैं, इसमें फर्क ये है कि इसी तरह वेब ब्राउजर में फ्री वाला शो करेगा, और पी वाला जो टैग है ये इस तरह शो करेगा कि ये खुद बहुत लाइन एंड करेगा। तो अगर आपको ये डिफरेंस है, ये जिस तरह हम लिखते हैं प्री वही तरह करेगा, और ये खुद बहुत जो पी वाला टैग है ये लाइन एंड करेगा। जैसे ही और लाइन पूरा हो जाएगा तो खुद बहुत इसको एंड करेगा, लाइन एंड करेगा और दूसरा लाइन स्टार्ट करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को, और आपको नया नया वीडियो फिर मिलता रहेगा। शुक्रिया।